आप यहां पर जो करोड़ों देशवासी हैं, बल्कि तमाम जो हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं, वो किस तरह से उसके बाद एक के बाद एक प्रतिक्रिया जो है वो यहां पर देते हैं, क्योंकि किसी के भी गले के नीचे ये बात नहीं उतर रही थी कि आखिर क्या ऐसा भी हो सकता है। बल्कि जो हमारे तमाम पॉलिटिशियंस हैं वो तो इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। ना केवल इतना, बल्कि भारत ने इसका विरोध भी जताया, भारत ने प्रोटेस्ट भी जताया, लेकिन कितना उसका असर पड़ता है ये देखने वाली यहां पर बात होगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या और ऑप्शंस हो सकते हैं इसके अलावा, ये जानने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाया विनेश का हौसला। विनेश, आप चैंपियंस की चैंपियन हो, ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर विनेश का हौसला बढ़ाया कि आप भारत का गौरव हैं, सबके लिए आप एक प्रेरणा हैं। जो हुआ वो बेहद दुखद है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, विनेश के साथ खड़ा है। आप बहादुरी का प्रतीक हैं, बहादुरी के साथ वापस आओ, हम आपके साथ हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हौसला बढ़ाया। विनेश पर क्या बोले खेल मंत्री, आइए फटाफट से हम ये भी आपको बता देते हैं। पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो आपको बताया, अब खेल मंत्री ने क्या कहा कि भारत ने IOC से विरोध जताया है। विनेश ने शानदार खेल दिखाया, ये खेल मंत्री ने कहा। विनेश को सभी सुविधाएं दी गई, विनेश को विदेशी कोच दिया गया, PM ने भी PT उषा से बात की, PT उषा से उन्होंने बात की और ये समझने की कोशिश की कि पूरी जानकारी दी जाए, क्या ये पूरा मामला है उसको समझने के लिए और क्या और ऑप्शंस हो सकते हैं। लेकिन खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने और क्या कुछ कहा इसके अलावा, वो पहले आपको सुनवाते हैं। 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा PT उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। तो खेल मंत्री मनसुख मांडविया को आप यहां पर सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि क्या कुछ दरअसल रहा। PT उषा जो कि पेरिस में है, उनसे भी बातचीत की गई, पूरी जो जानकारी है वो दरअसल मांगी गई। क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PT उषा से कहा, PT उषा से ये जानकारी तो मांगी ही गई, लेकिन इसके अलावा और वो क्या बातें रही वो हम सिलसिलेवार तरीके से फटाफट से यहां पर आपको बता देते हैं। PT उषा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बातचीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IOA अध्यक्ष PT उषा से बात की। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्षा है PT उषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PT उषा से जो भी था पूरा वो पहले तो जानकारी मांगी, क्या हुआ कैसे हुआ, फिर उसके बाद सभी विकल्प तलाश कर सख्त विरोध दर्ज करें, ये साफ तौर पर बताया गया और भारत ने विरोध दर्ज भी किया। प्रधानमंत्री ने विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने के बाद ओलंपिक समिति से विरोध दर्ज कराने को कहा, ये बात PT उषा से उनकी हुई। और आपको इसके अलावा बताते हैं कि क्या कुछ कहा गया। Olympic Village Polyclinic a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh. और आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है UWW। पूरा नाम यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। UWW के आर्टिकल 11 के अनुसार मैच में एंट्री से पहले टीम के लीडर को फाइनल एथलीट्स का नाम देना होता है, इसकी जानकारी पहले से देनी होती है। मैच से पहले खिलाड़ी का वजन होता है, जो एथलीट वजन के अनुरूप नहीं होता है उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। UWW के अनुसार अगर कोई एथलीट वेट इन में भाग नहीं लेता है, दोनों बार में वजन नहीं करवाता, तो भी उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और बिना रैंक के अंतिम स्थान पर उसे रखा जाता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आती है इसी से जुड़ी हुई, वो आपको बता रहे हैं। विनेश फोगाट पर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का बयान सामने आया है,
उन्होंने कहा है कि नियम सभी के लिए एक समान है। UWW प्रमुख अब वो ये कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, हमें नियम का सम्मान करना चाहिए। ये कहते हुए नजर आए UWW प्रमुख नेनाद। तो विनेश फोगाट पर UWW प्रमुख का ये बयान सामने आया है। हमने आपको बताया कि UWW क्या है और साथ ही साथ आर्टिकल 11 के अनुसार क्या आखिर मैच में एंट्री से पहले टीम का जो लीडर होता है उसे करना होता है, वो फाइनल एथलीट्स के जो नाम है वो उसे देने होते हैं, उससे पहले किस तरह से आपका वेट जो है वो करना होता है, वजन करना होता है और दो बार ये वजन किया जाता है। अगर ये वजन ज्यादा हो कम हो जो भी है, मतलब यहाँ पर एक सेट किया गया है बार, और अगर उस पर आप नहीं मैच करते हैं तो फिर आपको बाहर कर दिया जाता है, या जब दोनों बार में आप करवाने से मना कर दे अपना वेट तो फिर तब भी आपको बाहर कर दिया जाता है, या ऐसे में सबसे आखिर में सबसे अंतिम पायदान पर आपको रखना होता है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि नियम तो नियम है और आपको उसको फॉलो करना होता है, और ये जो वेट किया जाता है, ये जो वजन किया जाता है, ये सबके सामने किया जाता है, तो नियम है और नियम को आपको मानना होगा। अब हम आपको ये बताते हैं कि किसने क्या बोला, किस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भारत से आती है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या कहती हैं? वो ये कहती हैं कि विनेश, आप सभी देशवासियों के लिए चैंपियन हैं। विनेश, आप भारतीय महिलाओं के लिए एक प्रेरणा हैं। राष्ट्रपति ने जो कहा है वो प्लेट एक बार प्लीज लेकर आए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा कि करोड़ों भारतीयों का दिल टूटा है, हमारी शुभकामनाएं लेकिन हमेशा उनके साथ रहेगी। उधर बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह का भी इस पर रिएक्शन आता है। वो क्या कहते हैं कि देश को मेडल का नुकसान हुआ है, देश का नुकसान हुआ है, इसके लिए अपील करेंगे। उधर कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि ये खबर सुनकर मन बहुत दुखी है, हमारी बेटी का सपना आगे साकार होगा। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय साजिश का शिकार हुई है विनेश फोगाट। उधर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ये कहते हैं कि ये चौंकाने वाला और परेशान कर देने वाली ये खबर है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसका संज्ञान लिया है, जो भी प्रक्रिया होगी वो की जाएगी। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि तकनीकी कारणों की जांच होनी चाहिए, विनेश के साथ जो कुछ हुआ उसकी जांच हो। इसके अलावा बात करें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की, तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी विनेश, ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित करना अन्याय है, ये कहा आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने। तो इधर स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं कि भारतीय प्रतिभा को अपमानित करने की ये साजिश है और इसकी गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। तो आपने ये देखा कि किस तरह से एक सुर में पूरा देश एक ही बात यहां पर कहते हुए नजर आ रहा है।